हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को आई फ्लोएटस और विट्रस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। ये कम्प्लीटली क्योर करती है। फ्लोएटस और विट्रस क्या है? फ्लोएटस मीन्स होता है स्पॉट इन द आईज विजन, मे बी लुक लाइक ब्लैक ग्रेज स्पीक स्ट्रिंग इन द आईज। ये एक एज रिलेटेड भी होते हैं या एज चेंजेस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये कंप्लेन अपीयर होती है, जैसे कि आंखों के सामने कुछ चीज़ें तैरती हुई दिखती हैं पानी की तरह, ब्लैक में वाइट में ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं, सडनली अपीयर हो जाते हैं आंखों के सामने, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ उड़ रहा है तैर रहा है, तो पेशेंट बहुत हॉरिबल फील करते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लोएटस मीन्स आई इंजुरी, आई क्रॉनिक डिजीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट, विट्रेस, आई ट्यूमर, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, इन्फ्लामेशन, विट्रेस इन्फेक्शन, ऑटो अमीनो कंडीशंस, क्रॉनिक हेडेक, माइग्रेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस एंड स्किन डिसऑर्डर्स, इन कारण से फ्लोएटस और विट्रेस की कंडीशन अपीयर हो जाती है। इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं? स्मॉल शेप इन द आईज विजन अपियरिंग और डार्क स्पीक और नॉबी ट्रांसपेरेंट स्ट्रिंग ऑफ द फ्लोटिंग मटेरियल, मीन्स आंखों के सामने एक छोटे छोटे कण की तरह तैरते हुए दिखते हैं जिनका जैसे वाइट कलर होता है और सफ़ेद में काले में ब्लैक स्पॉट्स ऐसा स्मॉल स्मॉल से उड़ते उड़ते तैरते हुए दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट्स की जैसे भी होते हैं पानी की तरह भी शो होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स फील करते हैं कि उनकी आईज में अगर स्पैक्स भी लगा के रखा हो ना, स्पैक्स भी लगा हुआ है तो भी उनको ऐसा फील होता है कि नहीं कुछ भी हमारी आंखों के सामने से जा रहा है, तैरता हुआ उड़ रहा है, और उसे हटाने की वो कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में विजन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरीके से फ्लोएटस और विट्रस की कंडीशन अपीयर होती है तो साइनिंग सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। मेन सिम्टम्स है फ्लोटिंग मटेरियल्स, कुछ भी सामने से आंखों के सामने से वो तैरता हुआ दिखता है, इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, फर्स्ट है नेफेथिलिनम 200 टू टाइम्स अ डे, फर्स्ट 16 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है अमोनियम जिम 200 टू टाइम्स अ डे, फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर सब कुछ वाइट फ्लोटिंग मटेरियल्स है तो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है मॉक सॉल्ट 200 टू टाइम्स अ डे, फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, एवरी सेम ब्लैक स्पॉट, अगर कुछ भी अगर ब्लैक मटेरियल्स फ्लोटिंग्स हो रहे हैं तो मॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक मदर टिंचर से सेनेगा क्यों 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ मेडिसिन से कैली आयोड टैबलेट्स है 3x में 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे फॉर 6 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लोटिंग और विट्रस की कंडीशन के अलावा उनके ईयर में रिंगिंग साउंड अपीयर होता है, साथ में अर्थराइटिस की भी कंप्लेन है तो कैली आयोड यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सेनेगा मदर टिंचर्स बताया, सेनेगा मदर टिंचर्स उन पेशेंट्स को यूज़ करना है, ऐसे हेल्दी भी यूज़ कर सकते हैं अगर फ्लोटर्स और विट्रस की कंडीशंस है तो, पर अगर साथ में किसी पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी या स्किन डिसऑर्डर्स भी साथ में है तो भी आप ये मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 90% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्लोएटस और विट्रस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एक कॉमन मेडिसिन है फ्लोएटस की, आप अगर यूज़ करेंगे तो गुड रिलीफ होता है, और मे भी अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं होते या ये जो मेडिसिन मैंने कॉमन बताई हैं ये मेडिसिन आप यूज़ कर चुके हैं उसके बाद भी नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक कंसल्ट करिए, क्योंकि रिपोर्टराइजेशन के डिपेंड पे जो मेडिसिन चूज़ होके आती है उसे लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करने से बेनिफिट होता है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सिम्टोलॉजी ट्रीटमेंट्स होम्योपैथिक में नहीं होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस बेस पे होते हैं, और ये जो मैंने मेडिसिन के डिपेंड पे आपको सिम्टम्स और ये सब बताए हैं ये मेडिसिन के एक्यूरेट सिम्टम्स हैं, इनके सिम्टम्स के डिपेंड पे आप अपनी मेडिसिन चूज़ करिए और वो यूज़ करिए। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।